हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 9 to 9 कुकिंग खजाना। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सेजवान सॉस की रेसिपी। चलिए देखते हैं। सेजवान चटनी बनाने के लिए चाहिए चीनी, महीन कटा हुआ अदरक, टमाटो सॉस, नमक, वाइट विनेगर है, ये एक टमाटर मैंने बड़ा लिया है, उसको कद्दूकस से घिस के रखा हुआ है, और लहसुन बारीक कटा हुआ, काली मिर्च पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, सोया सॉस, और ये 20-22 मैंने रेड चिली को गर्म पानी में भिगा के रखा हुआ है, 1 घंटे के लिए रख दिया था ताकि इसका जो स्किन है वो सॉफ्ट हो जाए। ये हल्की तीखी लाल मिर्च है, अगर आपके पास ज़्यादा तीखी लाल मिर्च है तो उसको तोड़ करके ऐसे बीज उसका रिमूव करके गरम पानी में 1 घंटे के लिए डाल दीजिए, तो इससे भी बना सकते हैं हम। सबसे पहले ये सूखी हुई लाल मिर्च जो मैंने भिगो के रखा हुआ था उसको मैं मिक्सी के जार में डाल करके पेस्ट तैयार कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये सूखी लाल मिर्च का पेस्ट बन करके रेडी है। इसमें डालेंगे ऑयल। इस चटनी में ऑयल थोड़ा ज़्यादा पड़ता है क्योंकि ऑयल प्रिजर्वेटिव का काम करता है, और इसको आप किसी के साथ भी खा सकते हैं, जैसे मोमो पिज्ज़ा में लगा के खा सकते हैं, फ्राइड राइस के साथ खा सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ों के साथ खा सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी लहसुन। ये मैंने चॉप करके रखा है, 4 बड़े चम्मच लहसुन के हैं। एक बड़ा चम्मच अदरक, इस चटनी को बना करके आप 1 से 1.5 महीने तक फ्रिज में रख के खा सकते हैं इजीली। लहसुन लाल हो गया है, अब इसमें मैं ऐड करूंगी रेड चिली का पेस्ट, ये पीस करके रखा था, ये 2 बड़े चम्मच मैंने डाला है। आपको जैसा तीखा पसंद हो उसी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। टोमेटो प्यूरी ऐड किया मैंने, इसी में ऐड करूंगी काली मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून है काली मिर्च पाउडर, और इसको धीमा फ्लेम कर दूंगी। इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को धीमा करके 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। 2 मिनट हमारे हो चुके हैं, अब मैं ऐड करूंगी टोमेटो सॉस 2 बड़े चम्मच, 1/2 टेबल स्पून है इसमें चीनी, अब इसमें ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर और 1 टेबल स्पून सोया सॉस। लास्ट में ऐड करूंगी 1.5 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप यूज करिए चाहे तो ना यूज करिए। एंड में जाएगा बहुत ही थोड़ा सा नमक, क्योंकि जो हमारे सॉस पड़े हुए हैं उसमें ऑलरेडी नमक है। अब इसको ढक करके 5 मिनट और पकाऊंगी। अब इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा, जैसा आपको गाढ़ा पसंद हो वैसा। अब इसको ढक करके 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, सेजवान सॉस बन करके रेडी है। देखिए फ्रेंड्स, ये सेजवान सॉस बनकर के रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।